नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। गुरु नानक जी ने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम की अच्छाइयों को शामिल किया। हालांकि सिख धर्म हिंदू और इस्लाम का महज संकलन नहीं है। गुरु नानक जी एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक थे। उन्होंने अपने विचारों को खास कविता शैली में प्रस्तुत किया। यही शैली सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी है। गुरु नानक जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ लोगों को नहीं पता। हालांकि सिख परंपराओं और जन सखियों में उनके बारे में काफी जानकारियां हैं। गुरु नानक के अहम उपदेश भी हम तक जन सखियों द्वारा ही पहुँचे हैं। बालक नानक जी का जन्म 1469 में लाहौर से 64 किलोमीटर दूर हुआ था। सिख परंपराओं में ये बताया जाता है कि नानक जी के जन्म और शुरुआती साल कई मायने में खास रहे। कहा जाता है कि ईश्वर ने गुरु नानक जी को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया था। नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस्लाम और व्यापक रूप से हिंदू धर्म का अध्ययन शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि नानक जी ने बचपन में ही कवि और दर्शन की अद्भुत क्षमता आ गई। गुरु नानक जी के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि वो 11 साल के उम्र में ही विद्रोही हो गए थे। इस उम्र में हिंदू लड़के पवित्र जनेऊ पहनना शुरू करते हैं, लेकिन गुरु नानक जी ने इसे पहनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि लोगों को जनेऊ पहनने के मुकाबले अपने व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुरु नानक जी ने एक विद्रोही आध्यात्मिक लाइन खींचना जारी रखा। उन्होंने स्थानीय साधुओं और मौलवियों पर सवाल खड़े करना शुरू किया। वो समान रूप से हिंदू और मुसलमान पर सवाल खड़ा कर रहे थे। गुरु नानक जी का जोर आंतरिक बदलाव पर था। उन्हें बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरु नानक जी ने कुछ वक्त के लिए मुंशी के तौर पर भी काम किया, लेकिन कम उम्र में ही खुद को आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में लगा दिया। गुरु नानक जी आध्यात्मिक अनुभवों से काफी प्रभावित थे और वे प्रकृति में ही ईश्वर की तलाश करते थे। गुरु नानक जी का कहना था कि चिंतन के जरिए ही आध्यात्म के पथ पर बढ़ा जा सकता है। उनका मानना था कि जीवन शैली के जरिए हर इंसान अपने भीतर ईश्वर को देख सकता है। सन 1496 में गुरु नानक जी की शादी हुई। उनका एक परिवार भी था। नानक देव जी ने भारत, तिब्बत और अरब से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की और ये यात्रा 30 सालों तक चली। इस दौरान गुरु नानक जी ने काफी अध्ययन किया और पढ़े लिखे लोगों से बहस भी की। इसी क्रम में गुरु नानक जी ने सिख धर्म के राह को आधार दिया और अच्छे जीवन के लिए आध्यात्म को स्थापित किया। गुरु नानक जी ने जीवन के आखिरी वक्त पंजाब के करतारपुर में गुजारे। यहीं पर उन्होंने अपने उपदेशों से भारी संख्या में अनुयायी को आकर्षित किया। गुरु नानक देव जी का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। इसके लिए रिवाज या पुजारी या मौलवी की जरूरत हमें नहीं है। गुरु नानक जी ने सबसे क्रांतिकारी सुधार जाति व्यवस्था को खत्म कर किया। उन्होंने इस बात को प्रमुखता से स्थापित किया कि हर इंसान एक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई जानकारी देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।